गुजरात के आनंद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश पटेल की एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल भाजपा विधायक ने सोमवार को अपनी फेसबुक पोस्ट में गलती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी लिख दिया। विधायक ने बाद में अपनी पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी, लेकिन पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी योगेश पटेल की पोस्ट पर निशाना साधा। योगेश पटेल बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जो अपने क्षेत्र में बाप जी के नाम से जाने जाते हैं। विधायक ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आतंकवादी विंग के सदस्य थे। हालांकि उन्होंने गलती के लिए गलत अनुवाद को जिम्मेदार ठहराते हुए माफी मांगी। विधायक योगेश पटेल ने कहा कि अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद करते समय एक त्रुटि के कारण गलत शब्द सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गया। दरअसल सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में पटेल ने अपने फेसबुक पेज पर गुजराती में एक पोस्ट साझा किया, जिसमें कहा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। वो आतंकवादियों के समूह के प्रमुख थे। वो समाजवादी आंदोलन की हिमायत के लिए जाने जाते थे। विधायक की ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोगों द्वारा शब्दों की पसंद के बारे में आनंद विधायक को सतर्क किए जाने के बाद उन्होंने पोस्ट को तुरंत हटा दिया। पोस्ट में आतंकवादी शब्द लिखे जाने पर विधायक ने दूसरी फेसबुक पोस्ट में माफी मांगी है। अपनी सफाई में योगेश पटेल ने कहा कि अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद करते समय एक त्रुटि के कारण गलत शब्द सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गया। माफी की मांग के बाद विधायक ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी से गुजराती में ट्रांसलेशन की वजह से गलत शब्द पोस्ट होने की बात कही। विधायक ने कहा कि मेरा अकाउंट संभालने वाले व्यक्ति ने नेताजी के बारे में अंग्रेजी का टेक्स्ट लिया और ऑनलाइन ट्रांसलेशन करने के बाद मेरे पेज पर डाल दिया। इसमें गलती से एक गलत शब्द चुना गया और पोस्ट कर दिया गया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। भाजपा विधायक योगेश पटेल अपने इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ कांग्रेस व आप नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी बताए जाने को लेकर कांग्रेस की ओर से साइबर सेल में FIR दर्ज कराई गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या मीडिया चैनल बीजेपी के गुजरात के विधायक योगेश आर पटेल की इस टिप्पणी पर डिबेट करेंगे, जिसमें वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी बता रहे हैं। गुजरात आपके अध्यक्ष इसुदन गढ़वी ने सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी कहने के लिए भाजपा विधायक योगेश की निंदा की। उन्होंने विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।